को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ अहभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग इन दिनों अपने मन और बुद्धि को और भी तल्लीन करने के लिए गीता के उपदेश में एक निराले ढंग से निराली शैली से महाराज जी का प्रवचन सुन रहे गए। अर्जुन प्रश्न करता जा रहा है और भगवान उसके उपयोगी उत्तर देते जा रहे हैं, उपयोगी जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, जिनसे हम अपने लोक पर लोक बना सकते हैं। बड़े कमाल के प्रश्न है और जवाब तो अपने नारायण के है, इससे बढ़ के तो जवाब हो ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं तीसरे अध्याय में, 36वां और 37वां श्लोक। अब 36वें श्लोक में एक बड़े मार्की की बात अर्जुन ने पूछी, एकाग्र हो जाना भगवान जी, जो कुछ आपने कहा मेरी क्या मजाल के मेरी मन बुद्धि न माने, मान रहे गए, पर कर्म युग के अंदर जीव को नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। हाँ अर्जुन ठीक, और नाना प्रकार के कर्म के करने में नाना प्रकार के प्राणियों के साथ उसे रहना पड़ता है। हाँ, और वो भी एक खास समय के लिए उसे रहना पड़ता है। हाँ, फिर मनुष्य में स्वार्थ होता है तब वो कर्म क्षेत्र में कुर्बानी करता है। ठीक ठीक कह रहे अर्जुन, जब स्वार्थ होता है तो स्वार्थ में एक जिद होती है कि ये मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। सुनो देवी, सुनो क्या कहने जा रहा है वो, स्वार्थ में जिद होती है, ये मेरा काम पूरा होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, लोगों के हो जाते हैं मेरे क्यों नहीं होते, मैं करके ही छोड़ूंगा। तो इस जिद के अंदर वो मजबूर हो जाता है उस कर्म की सफलता देखने के लिए। हाँ ठीक कह रहे अर्जुन, तो सफलता में ही उसकी मन बुद्धि लगी होती है, तो न चाहने पर भी उससे गुनाह होती है, उससे पाप होते हैं। वो चाहता नहीं, वो तो ये चाहता है कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए, फिर भी वो इस ढंग से कर्म करता है जिसको आप पाप कहेंगे, जिसको आप बुरा कर्म कहेंगे। और बुरा कर्म करके अगर उसने फल पाया तो मिट्टी पाई, उसको दुख मिलेगा, तकलीफ होगी, चिंता होगी, कर्म कर रहा था सुख के लिए, किया उसने अनुचित ढंग से, नाजायज तरीके से, नाजायज तरीके को ही पाप कहते हैं। अनुचित कर्म को ही दूसरे शब्दों में हम हिंदू धर्म के अनुसार पाप कहेंगे। तो वो पाप का भागी बना, सुख की जगह उसने दुख पाया, ये फिर बात क्या बनी प्रभु, ना चाहे पर उसे पाप करना पड़ा अपनी जिद के कारण से। हाँ, तो उसको पाप में कौन धकेल रहा था, तू तो कह तो रहा है स्वार्थ, पर नहीं प्रभु, स्वार्थ उसे ले जा रहा था, और स्वार्थ उसके मन में आया क्यों, इंसान क्यों स्वार्थी बना, आए ये है प्रश्न। ये तो ठीक है प्रभु कि वो उसने स्वार्थ के कारण से पाप किए, पर वो स्वार्थी बना क्यों, और स्वार्थी बनकर उसने नाना प्रकार के पाप क्यों कमाए, क्यों उसने अंतःकरण को पापों से भर लिया और पापों की गठरी लेके मर गया। मेरे भगवान मुझे बतलाइए, अब मैं क्या करूं। फिर अर्जुन ने पूछा वो कुवत क्या करे जिससे इंसान गुनाह खता, हाय खता कोई करता नहीं चाहते, वो सब कुछ करे जबर अकराह से, जब मजबूर होके करता है, कोई उसने चाह से बड़े शौक से नहीं कोई पाप किए,
अब मैं क्या करूं प्रभु, को मजबूर जैसे कोई धकेल रहा हो, गुनाह कोई करता नहीं, चाह से वो सब कुछ करे जबर अकराह से। अब 37वें श्लोक में मेरे प्रभु ने जवाब दिया जो हमारे आज का विषय है। सुना ये तो भगवान बोले के बाद, गजबनाक दुश्मन तेरी गवत, समझ ये रजोगुल की औलाद गए, हाय ये लोभी ये पापी ये जल्लाद। सुना ये तो भगवान बोले के बस, गजबनाक दुश्मन है तेरी हवस, समझ ये रजोगुण की औलाद है, ये लोभी है पापी है जल्ला। और भगवान के उत्तर पर हम लोग विचार विमर्श करें। भगवान कहते हैं स्वार्थ का मुख्य कारण उसकी कामनाएं है, उसकी वासनाएं है, जो उसे दिन रात चैन नहीं लेने देती, भूख नहीं लगने देती, नींद नहीं आने देती, लंबी लंबी रातें करवटे लेते लेते गुजार देता है, सांस ठंडे सांस छोड़ता रहता है, मेरी नहीं कामना पूरी हो रही, मेरी यह कामना पूरी होने चाहिए, इसी से वो स्वार्थी बन जाता है। कामना हमें इस तरह निचोड़ती है जैसे निबूदानी भरे हुए निबू के रस को ले लेती है। हाँ, वो बेचारा हैरान परेशान होता रहता है। इसी वासना के कारण से सजनो हो देवियो, कामना के कारण से एकाग्र रहना मेरे सजनो देवियो। ये कामना, कामना मैंने चाहना, मैं कई बार बता चुका हूं, इंसान चाहता क्या है? संसार के कुछ एक प्राणी, कुछ एक पदार्थ, क्यों संसार को सही नहीं समझा? और कोई विरला समझेगा संसार की यथार्थता, संसार के यथार्थ स्वरूप को या रियल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड को कोई समझेगा? सारे नहीं समझते, सारे को ये सवाल ही नहीं आता, उनकी माया उनके बुद्धि में ये सवाल उठने ही नहीं देती, ये संसार क्या है, आपने ये संसार क्या बनाया है? दिन रात इसी संसार में गलतान है, इसी संसार में लेना है देना है। इवन देन देयर एंटायरली इन इग्नोरेंस व्हाट द वर्ल्ड इज, पता ही नहीं उन बिचारों को, धक्के खा रहे हैं और दुख दे रही है, दुख ले रही है, दुख दे रही है, हाय बर्बाद कर रही है, बर्बाद हो रही है, बेचैन हो रही है, बेचैनी दे रही है, और कुछ समझ नहीं उनको। इतनी अज्ञानता और वो अज्ञानता देवियों सजनों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। हाँ, और फिर एक बात और कहूं, सब कुछ भगवान की नजरों में है, ये जो कुछ भी हो रहा है उनकी नजरों में हो रहा है, और वो पता नहीं किस तरह सहन कर रहे हैं, जाने मेरे प्रभु और जाने उनका काम। कि संसार को ही नहीं समझा जा रहा, जिस संसार के साथ हमने आखिरी सांस गुजारना है। हर चीज को समझ लेता है इंसान, हर बात को समझता है, विदेश की बातें पूछो बताने को तैयार है, कोई पिक्चर लगी है उसके कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस काम करेंगे सारा उसे पता, फलाने विदेश का कौन सा कैपिटल, उस कैपिटल में क्या क्या मशहूर चीजें आपको मिनटों में बता देगा, अपने देश के सारे मिनिस्टरों के नाम तक गिना देगा शाबाश, उन मिनिस्टरों की काफ फैक्ट्रियां चल रही है ये भी बता देगा शाबाश, लेकिन ये जो उसके लिए परम आवश्यक जरूरी बात है वो नहीं जानता कि संसार क्या। आंख खुली है जिस वक्त से जब तक हम गहरी नींद में नहीं जाते तब तक इसी संसार के साथ हम जूझते हैं, संसार के साथ हमारी टांगा फार होती है, रसाकशी इसी के साथ होती है, लेकिन ये भी नहीं पता हमें इसके साथ, ये जानते ही नहीं कि ये क्या है और इसके साथ जूझने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वो जलील भी होता है बर्बाद भी होता है, फिर भी इसी के साथ ही लगा रहता। आहा, यही हमारे महापुरुषों ने कहा, अखी देख जहर नु खांदा ये संसार देखा, खा खा के पछोतांदा बाज ना आंदा फिर भी खांदा, खा खा के पछोतांदा बाज ना आंदा फिर भी खांदा, ये संसार देखे फिर भी वो इसी में लगा हुआ है। मेरी देवियों मेरे सजनों, ये आंखें होते हुए बुद्धि होते हुए फिर भी वो धक्के खा रहा है। अब क्या है, कामना, कामना मैंने चाहना, टू विश टू डिमांड है, किसकी, संसार से चाहेगा ना, कोई चीज चाहेगा, कोई प्राणी चाहेगा, कोई पदार्थ चाहेगा, और सुख दृष्टि से चाहेगा, ये मुझे मिल जाए मुझे बड़ा सुख होगा, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा चैन मिलेगा, मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट हो जाएगा, इस प्रकार के सजबागियां मन दिखाता चला जाता है। ये तो मिलना ही चाहिए, ये तो मेरी चीज बन जानी चाहिए, शाबाश, ऐसे जो है लाइट साइड मन दिखाता जाता है, बस इंसान मजबूर हो जाएगा, उसके पास ये विचार तो है नहीं, जहान की असलियत का पता तो है नहीं, अंधाधुंध छलांग मारी संसार के अंदर, अब खाए धक्के, संसार में जीव इस तरह छलांगे मार रहे हैं जैसे कुएं के अंदर छलांग मारे, कुएं पता नहीं पानी है क्या, सांप बैठा है, बिच्छू बैठे हैं, अंदर चोर बैठे हैं, वो चक्के बैठे हैं, छलांगे मारी जा रहे हैं, जैसे हम कहेंगे भेड़ चाल,
सारे ऐसा कर रहे मैं भी ऐसा करूं, सारे ऐसे बना रहे मैं भी ऐसा बनाऊं, एंड व्हाट वुड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट, कुछ नहीं पता। विचार बिना विचार किए इसके परिणाम क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। मछलांगे मार, यही मुझे मिलना चाहिए, ये मेरी होना चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए ये तो मैंने लेना ही है। देख लीजिए 99% नर नारी इसी धुन में मस्त है, जलील भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, हाहाकार भी मचा रहे हैं, फिर भी वहीं के वहीं। क्या जवाब देते हैं मेरे प्रभु अर्जुन, ये कामना के कारण से जीव जलील होता है, कामना कारण से। हा कामना के मां बाप कौन है? रजोगुण, रजोगुण से काम। क्या जवाब देते हैं प्रभु? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इनको पैदा कौन करता है? रजोगुण। रजोगुण की बढ़ोतरी से कामनाएं वासनाएं पैदा होती है, कामना जी पूरी करने। चलो अच्छा और सुनो मेरे से बात, देखो भगवान क्या तरीके से बात कर रहे हैं, एकाग्र रहना। रजोगुण से ये पैदा होती है, ठीक है कामना वासना है, हाँ लेकिन नहीं कामना वासना, चलो आप कामना पूरी कर लेते, लग जाते दिन रात, खून आपका, पसीना आपका, वीर्य आपका, दिन आपका, रात आपकी, शारीरिक मानसिक शक्ति आपके, लगाओ जितना आप लगा सकते हो लगा लो, आपकी अपनी किसी से लेनी थोड़ी है, किसी उधार लेनी है क्या आपने, ये तो अपनी शक्तियां लगा लो, लगा ली। लेकिन देखो भगवान का नियम, खामखाए कई आपकी कामना पूरी करने में पंगे लेंगे, बाधा डालेंगे, अड़चने डालेंगे, हालांकि आपने उनका कोई नहीं बिगाड़ा, पर उनको खुदा दाद का वैर है, तू कौन मैं, खामखा खामखा आपके बाधा डालेंगे, आप एक कामना पूरी कर रही हो, हाँ कोई बाधा बन जाएगा, कोई चाहे सगी ननद भी क्यों ना हो, चाहे सगी दिरानी जिठानी भी क्यों ना हो, है ये लाजमी बात, ये सुन लो सुन लो सुन लो, क्योंकि भगवान ने कामनों से आपको ऊपर जो उठाना, आपको कोई तंग करने वाला भी होना चाहिए, कोई जलील करने वाली होना चाहिए है, तो बाधा पड़ेगी। अब जो बाधा पड़ेगी, आप तो एक तरह जा रहे थे, आप झुंझलाएंगे, ये बस आपके मन में हलचल मचेगी, क्रोध आएगा। क्रोध कब होता है? हमारी कामना को जो चोट मारता है उस पर हमारी क्रोध आता है। कामात क्रोधा भी जायते, बिगड़ी हुई कामना क्रोध के रूप में बदल जाती है, बिगड़ी हुई कामना क्रोध के रूप में बदल जाती है। जब तुम्हें क्रोध आता है, हा मुझे बतला अरे कृष्णा, जब तुझे क्रोध आता है तेरी माँ तुझे क्या बोलती है? ना मैं नहीं बताती, ना बता दे कोई क्या हो गया, सारे तेरे ही तुम है ना, मेरे थोड़े मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बताती, नहीं फिर बताना। जब तुझे क्रोध आता है हाँ, तो तेरी माँ क्या कहती है? अब आप तीन बात पूछ रहे हैं, आप तो मैं बता दूंगी, हाँ बता क्या कहती तुझे माँ जब तुझे क्रोध आता है? चंडी कही की चंडी रंडी, अर्थात शक्ल बदल जाती है, चंडी बनी थी क्रोध में आ जाती है, आग खड़े हो देवी भगवती के, चंडी कहते चंडी आ गई हमारे घर में, शक्ल कैसी गंदी बना रही, आप से बाहर होती जा रही है तो ये कामना, और शक्ल क्रोध में चंडी की बनी है, तो उसकी अपनी पेट की बेटी। हाँ और आप लोग जो हम जो नर है वो क्या बोलती है? राक्षस बन गया राक्षस, कैसे प्रेत है तू प्रेत, जब तुझे क्रोध आता तुझे सूझता ही कुछ नहीं, जो मुंह में आया बकबक कर देता है, अर्थात कामना बिगड़ के हमारी शक्ल बदल जाती है, हमारी बुद्धि पे पर्दे पड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है पिताजी के साथ कैसे बोल रहा, ये मेरे बड़े हैं, मुझे कैसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं इतना अपने व्यवहार में अशिष्ट हो जाता हूं, बेअदबी दिखाता हूं, ये भगवान ये नियम थे। जहां भी तुम कामना करोगे ये नहीं कह गाड़ी की तरह रन थ्रू जाए ना, बाधा पड़ेगी बीच में, बीच में कोई अड़चन आ जाए आपकी दूसरी जिंदगी पर असर उड़ा लो, जब भी आपने कोई कामना तीव्र की कोई बाधा बन गया, और बाधा बनने के बाद आपके मुंह से जो आया आपने ब्रेक नहीं लगाई, चाहे सगी माँ थी, पिताजी थे, चाहे आपके श्रीमान भी थे, चाहे आपका दूसरा अंग श्रीमती थी, आपने रख रख के सुनाई, हाँ इधर कामना बड़ी हुई थी उसके सामने बाधा आ गई, आ गया क्रोध, हाँ तो क्रोध से दोनों वो कामना और क्रोध ने जाके बुद्धि के ऊपर आवरण डाल दिया। ध्यान देना मेरे सजनों, मेरे भगवान की बातें सुन लो, आपका लोक पर लोक बन जाएगा, शरीर तो हमने छोड़ ही देना है, जैसे पुराना कपड़ा मैला हो जाए तो हम उतार देती हैं, ये तो हमने छोड़, वो तो धो लेती है, पर ये किसने धोना है? भगवान कहता है मैं तो इसको धोऊंगा अग्नि में डाल के, हाय हाय अग्नि में डाल के, अग्नि में तो मां डालती थी उन बर्तनों को जिसको कुत्ता लग गया है, कुत्ते ने अगर जीभ से चाटा तब होता था, पर भी तो भगवान कहते ना जूठे हो गए शरीर, हाँ इनको मैं तो सार दूंगा, मुझे क्या है, मुझे कोई कमी है, मेरी इतनी शानदार वर्कशॉप है जहाँ लाखों जीव रोज पैदा हो रहे हैं, लाखों जीव रोज मर रहे हैं, भगवान तो सार देते हैं, सड़ जाना इसने, हाँ तो उस सड़ने से पहले ये बात पक्की कर ले, ये बात हम अपने मन में रख ले, बुद्धि पर आवरण आ जाएगा, ये दोनों अवल तो कामना ही तबाह कर देती है, पर कामना के साथ मिलकर क्रोध, हाँ जैसे बंदर ने पीली शराब
बंदा तो जन्म से ही चंचल है और शराब पीने के बाद तो ओए होए तय नेश कर देगा इन वृक्षों को, छलांगे मार मार के इसकी इनकी ये ब्रांचे तोड़ तोड़ करके। अगर उसने ये लिया जाए, एक तो इंसान में पहले कामना है और कामना पर क्रोध सवार हो गया, बस तबाही, वाकई वो शैतान बन जाता है, वो पिशाच बन जाता है, वो राक्षस बन जाता है। अच्छा, शैतान से बड़ा पिशाच, पिशाच से बड़ा राक्षस, इन दोनों में जैसे चौथी जमात, आठवीं जमात और दसवीं जमात, हाई क्लास, पहले आदमी बनता है शैतान, फिर बनता है पिशाच, हाँ उससे बन गया राक्षस। तो इंसान तो राक्षस का ढूंढता है जब उसमें क्रोध आ जाता। अब दोनों आ गए फिर तो पूछो ही नहीं, बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि मारी जाने से तो बस फिर गया वो, तो धक्के खाएगा। ये अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु ये तो बड़ी बुरी तरह मार खा गया इंसान, ये कहां से पैदा हुआ? रजोगुण से पैदा हो गया, रजोगुण बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? एक मेरी बात सुन लेना जो मेरे भगवान ने कही है, भगवान के बनाए हुए जहान को न समझने के कारण से। ये बात तो इतनी गहरी ले जाओ कि मैं पहले जहान को तो समझूं। मेरे भगवान कहते हैं जिसने जहान को समझ लिया, हां सुनो मेरी बात, जिसने जहान को समझ लिया दो पग रह जाते हैं भगवान को देखने में। हां, केवल दो पग, कितनी जरूरत है एकांत में बैठकर जहान को समझने की। केवल दो पग, ये पैर रखा है, ये अगला पैर भगवान की जात में। जिसने जहान को सही समझ लिया, समझ के मन में रख लिया, भगवान में तली हो गया। यूं कहिएगा, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त, इतना स्पष्ट किया हमारे अनुभवी महापुरुषों ने। आपका जहान को समझने से स्वार्थ खत्म, स्वार्थ खत्म तो ख्याल उसके वश में, मन में विजा। छठा अध्याय आपके आंखों के सामने है, इसको समझना मुश्किल। अगर मेरे जैसा समझा भी देता, पर ये समझ मन में रखनी मुश्किल। अब आपको समझ आ गई, आपने हां में मिला दी, लेकिन ये समझ बनी रहे घर में, परिवार में, समाज में, ये समझ एवेपोरेट ना हो जाए, बुखारात मन के उड़ ना जाए। समझना भी आसान हो जाता है, लेकर समझ के मन में रखना बड़ा मुश्किल होता है। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिली हक नजर से जो माने मुझे, ये बात हमेशा के लिए रख लें जान को। अब कोई उठे कामना तो फिर आके मुझे जरा भी ना गीता के विषय में बोले देना। भगवान आपको पूरा विश्वास आश्वासन देती है, जहां को समझ लेने के बाद ना हो उसको फिक्र चुनाव, संकल्प विकल्प बंद हो जाती है। आजमा के देखो ना, गीता का तो हर शब्द आजमाए जाने योग्य है। जरूरत जैसे मैं, मुझे शौक भगवान ने पैदा कर दिया है, एक एक बात को समझने की कोशिश करता हूं, अपनाने की कोशिश करता हूं। देखो जरा इसका मजा क्या होगा, देखो जरा ऐसे ये कैसे होगा, ऐसे हम आजमाए, ऐसे हम देखें, पहले समझ ले ठीक कह रहे हैं, अब उसको आजमाए। हाय हाय, बड़ा मजा आता है आजमाने में, क्या हम इसको आजमाएंगे? वी विल पुट इनटू प्रैक्टिस एंड सी द रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी क्या रिजल्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, मौज बहार जो हमारे सरताज कह रहे हैं। सिर्फ जहान को समझ, जिसको इन्हें जहान को नहीं समझा पता नहीं कितने जन्म लेगा। जो कि जहान को नहीं समझा, बेसमझी से कामना वासनाएं आएंगी, उसको पूरा करेगा और उठेगी तो राग द्वेष उठेगा, लड़ाइयां झगड़े होंगे, फसाद, ओ मेरे रब्बा, वो इंसान ज्यादा बार मुखी होता जाएगा, कामना और बढ़ती जाएगी, आयु घटती चली जाएगी, अचानक शरीर छूट जाएगा, कामना लेके मरा, ये शरीर ही मरा है, अंदर वाला जो कामना कर रहा था, जो संकल्प विकल्प कर रहा था वो तो नहीं मरा, या तो रब करे वो भी मर जाता, वो नहीं मरता, सिर्फ ये मरता है जो ऊपर वाला हमारा सथूर शरीर है, ये चेहरे वाला और ये बाकी अंगों वाला, अंदर विचारों वाला, उद्वेग वाला, वासना वाला, वो शरीर सूक्ष्म नहीं मरता। क्लियर कर लो हर बात, जिसमें वासने उठती है, जिसमें कामना उठती है, हाँ वो नहीं मरता, ये मरता है बेचारा, सथूल मर गया, सूक्ष्म रह गया, फिर सूक्ष्म ने जन्म लिया जा करके अपनी कामना कारण से। अगर आज आप कैंट गए थे, गया था, 2 घंटे लगाए, हाँ बाबा ज्यादा लग गया होगा, क्यों, कामना लेगी होगी। हाँ, तो नारियों के बाजार गई थी, 2 थैले लेके गई थी मैं, कई चीजें घर में खत्म हो गई, रोज श्रीमान कहती है आज तो मुझे बड़ा क्रोध था, ला देते नहीं तो मैं अब मैं क्या करूं, बड़ी तंगी होती, छोटी छोटी चीजें कौन पड़ोसी से मांगे, आज जाके मैं ही लेने गई, 7 मुनि को ले लिया था और 2-2.5 घंटे लागे चीजें लेते लेते ले आए, वो कहते ले आऊंगा लाते नहीं है, तो अगर आज तो मैं ले आऊंगी, तो क्यों गए, कोई कामना पूरी करने के लिए। देख लीजिए आप, कुछ देर पहले आप जंधर गए थे, हाँ कोई कामना लेके गए थे, अब देखो सिद्धांत हो गया, आप कहीं भी जाते हैं घर छोड़ के, घर छोड़ के कामना आपको बाहर ले जाती है,
मेरे गुरुदेव ने मुझे यूं ही समझाया था, समझ लो जरा। अपने घर को छोड़ के घर में सारे सुख है, सब जरा सा घर से बाहर पैर रखो भगवान साक्षी है दुख पाओगे। अब घर से बाहर पैर रखो दुख, जरा सा बाहर कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं किसी के साथ जो है अपने बाजू लग जाएगा, कहीं कुछ और बात गड़बड़ मच जाएगी, कहीं कुछ और कोई साइकिल वाला मार जाएगा, कुछ और बार होगा। हाँ ये कितनी सच्चाई की बात कहेगी, जो सुख अपने चबारे ना बलख ना बुखारे, भले ही ईस्ट और वेस्ट पर होम इज दी बेस्ट, बिल्कुल ठीक है। अपना घर बहुत अच्छा पर कामना में ले जाती है ना, हाँ बिल्कुल इसी तरह अपने में रहना कितना सुख कितना आराम, पर मैं बताऊं कैसे आपको, अपने में रहना कितना सुख है आराम है, पर ये कामना ऐसे निकालती है अपने अंदर से कि जी बार जलील होता। कामना ही अपने आप को अंदर यानी वनावन कितना सुख पाता अपने अंदर, जैसे आप अपने रहती है कामना आपको धक्के देती है। अब जो इसकी असलियत को समझ आए जाएगा ही बिल्कुल ही जाएगा। मेरे शरीफ बेटियां शरीफ मेरे बच्चे बाहर नहीं निकलते, बाहर तो धक्के ही धक्के हैं, बाहर तो बर्बादी बर्बादी है, कलयुग है ना। हाँ अपने घर में कितना सुख है, कितना आराम और चैन, आराम खाने का पीने का पहनने का आप विश्राम करने का सारे सुख हमने घर में बना रखे सब। इसी तरह जानिएगा अगर वासना काम असलियत समझ, वासना संसार की उसको जान लिया गया, नो मोर वासना नो मोर कामना नो मोर एनीथिंग, हम आगे अपने आप में परमात्मा की कसम मुक्ति आपके अपने हाथ में, अगर आप कामना ना करें और कोई कारण ही नहीं जन्म मरण के चक्कर का अगर कामना ना हो तो। अब आप इतने आते हैं सब महाराज जी की वाणी सुनी आरती उतारी निकल गए, कभी रुक भी जाना आप बाहर खड़े होकर बाहर देखना, हाँ कभी कोई मैया आ रही है क्या हो गया गुच्छा मेरा रह गया, अच्छा कभी वो भाई जी आ रहे बुजुर्ग बार क्या होगा कोने में मेरा रह गया छाता, तीन चार मेरे घर रोज ही आती है। हाँ वो कहीं को ये भी नहीं होश आती क्या मेरी चप्पल तो नीचे रह गई, मैं बाहर ही गई रोना लग गया मेरी चप्पल कहाँ गई, वो तो मैं नीचे छोड़ के चली गई। एक मेरे गणेश दास जी थे वो गए वहां पर जीटी रोड तक, लोग साइकिल पे जा रहे थे मैं भी साइकिल से गया था, साइकिल ही कोई याद भी साइकिल ताला लगा रह गया, हमारे गुप्ता जी को याद ही नहीं है कि मैंने स्कूटर भी लेना है, रात के 10 बजे कोई जा रहा है गीता नगरी के अंदर कि आपने अपना स्कूटर नहीं लिया ना, हाँ नवा स्कूटर मैं भी लाया हूं 23-24 हजार का स्कूटर ही भूल गए और रात को 10 बजे कोई यहां से जा रहा है कि स्कूटर आपका मेरा, हाँ लो याद ही कोई स्कूटर मैंने ले आया था स्कूटर वापस भी नहीं जाना है, वाह वाह अभी ये उस दिन की बात है। तो इंसान लौट के क्यों आया, कोई चीज रह गई, ये ना भूलना मेरी देवी, हम क्यों जन्म लेती हैं, कोई अरमान रह जाता है। आपको अपने कल्याण की कसम, भगवान की नहीं कहूंगा अपने कल्याण की कसम, अगर सही रूप में आप कल्याण कामी है इन वासनों का बेड़ा गर्क कर दो, और वासना संसार की उठती है, हाँ और संसार की असलियत जान लो मेरी तरह आपका मन उपराम हो जाएगा, जैसे हम अपने मन को उपराम किए बैठे क्या करे, जहान कहते भी आ जाना तो जो भी मांगते नहीं दे देगा ठीक है, हम जहान के नजदीक जाते हैं, अच्छा आप मांगो ना, आप मांगते नहीं क्या मुद्दत से आप पर हटे पड़े सारे आते में जहान बोलता है जहान उवाच संसार उवाच, हम कहते बिल्कुल ठीक है हम मांगेंगे आप देखो फौरन दे देंगे, लेकिन जो तू देगा उससे तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति कोई नहीं होनी, फिर रख प्राणी पदार्थ अपने पास, एक ही जवाब मेरी बेटी, तृप्ति का मैंने अर्थ बताया था, जो प्राणी पदार्थ हम जहान से मांगे और उसका प्रयोग करना है हमने, हाँ उससे तृप्ति हो जाए अर्थात फिर और प्राणी पदार्थ की जरूरत ना हो, इतनी तसल्ली हो जाए इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाए हमें फिर और जरूरत न रहे किसकी इस और उस चीज की, शाबाश हमें फिर किसी और की ना, हर्ष के महाराजा हर्ष आपने हिस्ट्री में पढ़ा है अपने भारत की हिस्ट्री में, हर्ष जी उनके पास एक ब्राह्मण परिवार गया, मुझे अपने काम पे रख लो जरूर, बड़े अच्छे प्रतीत होते हो बड़े हमें मेहनती नजर आती हो तो आपको जरूर रखेंगे, क्या लोगे जिसमें मेरा निर्वाह हो जाए, आपका निर्वाह इतना रोज मैं दान देता हूं इतना मैं रोज पाठ करता हूं आधी रात तक सोता हूं उसके बाद जागता हूं और इतना मैं हवन करता हूं, अच्छा ये जो खुले खर्च हो जाए बस, मेरे मन में ये ना चिंता हो कि ये चीज कहां से आएगी ये कहां से आई ये कहां से आएगी, अगर ये मंजूर है तो मुझे रख लो वरना मैं और राजा की नगरी में जाता, मेरी तनख्वाह मुझे कोई पता नहीं मेरी तनख्वाह क्या है, जितनी तनख्वाह दोगे उसका आधा हिस्सा मैंने दान कर देना है, वाह
राजा ने कहा तुझे ना रखा तो लख लानत, तुझे तो जरूर रखना है, इतना दे दे जितना मेरा ये गुजारा हो जाए, ऐ जहान हमें इतना दे कि हमें तृप्ति हो जाए। जहान कहेगा बाबा जो भगवान की भक्ति कर रहे करता रहो, मेरे पास इतनी तौफीक ही नहीं है कि मैं तुझे सेटिस्फेक्शन दूं। लो आपको वैराग्य हो जाएगा, जैसे हमारे जैसे भगवा बैठा है, हमारे को अकल तो नहीं खराब हो गई, सिर मुंडाते हम जान बूझ करके थोक के भाव हमें हवा ऑक्सीजन मिले और अंदर जाए और नाड़ियां और खुल जाए। बेटी अकल खुली हुई है लेकिन करें क्या, क्या चीज मांगे इससे, जिससे तृप्ति तो हो ना, फिर भिखारी बने रहे, दो चार चीजें इससे ले ली, फिर कुछ देर के बाद दो चार चीजें और ले, सारी जिंदगी आम देख लो 99% नर नारी के भिखारी पने में गुजर रही है, भिक्षा मांगने में गुजर रही है। ये 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 जैसे आजकल पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी की तरह हो गया, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, कोई जर्मन से मांग रहा है, कभी पाकिस्तान, बड़ी बुरा हाल है उसका जी आजकल, कभी अमेरिका नाराज हो रहा है उसको, कोई अमेरिका से मांग रहा है, कभी उसकी जगह पैर पकड़ता है, अल्लाह की कसम ना नाराज हो, ये कार कभी कभी रशिया से आप मांगने लग गया, कोई 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 बिल्कुल भिखारी, बिल्कुल ही अपने आप को से नंगा कर दिया और मांग रहे अल्लाह दे ना तो कुछ दियो मेरी मौत हुई। इसी तरह इंसान भिखारी हो जाता, तो ये बात मन में रख लेना, मांगने का मजा तब है जब फिर ना मांगा जाए, ये संसार के पास है ही नहीं ताकत, ऐसा जान लेने वाला कामना से उठ जाएगा, वरना नहीं उठ सकते हम कामना। ये बड़े हमें सब बात दिखाते हैं, जहान प्राणी पदार्थ में बड़ी सबदा दिखाती है, और फला हो भगवान का जिन्होंने ये कह दिया अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है प्राणी पदार्थ जो हमें अच्छे लगते हैं, और चूंकि अनित्य है सुख नहीं दे सकते, सुख वो चीज देती है जो हमेशा रहने वाली हो, और फिर जब हमें ले उसमें बदले नहीं, उसमें शक्ल वो वैसी की वैसी रहे, उसमें परिवर्तन ना हो, हाँ उसमें परिवर्तन ना हो, हो गया सुख। जब हम लेती हैं तब प्राणी पदार्थ कुछ और होती है, जब प्रयोग करती है तब वो वैसे रहती है, जब आपकी शादी हुई थी श्रीमान कैसे थे, आपकी श्रीमती कैसी थी, थोड़े ही दिनों बाद ना वो श्रीमान रहे ना वो श्रीमती रहे। देखो जब भी आप कोई चीज लेती है उस वक्त क्या होती है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में कितना कोई फर्क नहीं होता, चंद दिनों के बाद वो नहीं रहती, आप नहीं रहते, इसी से प्रगट हो आखिर में, यही से वो चीज दुखदाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे हम उनके मुताबिक नहीं रहे, वो भी दुख में हो गए, वो हमारे मुताबिक नहीं रहे, जैसे उन्होंने कहा कुशल तू कितना बदल गई है, फिर कहती मुझे गालियां ना दे तू कितना बदल गई है, और मुझे भी अपनी मां की कसम मनोरी तुम कितने बदल गए हो, बिल्कुल दोनों ठीक है राइट, मैं भी बदल गया, हाँ हाँ मैं तो बदल गया, तो फिर मैं भी बदल गई, तू मेरे सिर में राख डाल मैं तेरे सिर में अंगारे डालू, बिल्कुल ठीक है, दुनिया का हर प्राणी पदार्थ बदलता जा रहा है, तो मेरे कृष्ण कह रही है आपके भगवान कह रही है दाना कहां इनसे कुछ पाओ, दाना भी तो कभी भी इनसे शांति की उम्मीद नहीं रखेगा, बिकॉज दीज आर ऑल चेंजेबल, भाई इतनी बात जान लीजिएगा। हाँ अब जो रजोगुण के कारण से वासना कामना उठेंगी और हमें बेचैन करेंगी और कोई बाधा बनेगा वो तो बात की बात, फिर हमें क्रोध आएगा बुद्धि मारी जाएगी जवाल आ जाएगा, ये तो बात की बात है, पहले हम कामने क्यों उठाए, बड़ी चोटी की अवस्था जे कृष्ण जड़ को पकड़ रही है, समझ ये रजोगुण की औलाद है, इसका परिणाम क्या होता है, ये लोभी है पापी है जल्लाद, चार मती और विचारवान होते हैं वो अपने आप में रहती है, रहे उनका दिल रूह से मुतमिन, वो देयर सेटिस्फाइड विद इन, कितने खुश है वो अपने आप में। अब अगर पुरुषार्थ किया जाए, सुनो फिर बात, पुरुषार्थ मैं भी करूंगा आप भी करेगा, उसके बाद जो मालिक देते हैं हमें लाखों करोड़ों है उसी में, अपनी कामना तो नहीं की हमने, पुरुषार्थ किया हमने, खून पसीना एक करके धरती भगवती पर गिरा दिया, भगवान बड़े खुश हुए, अब मिलेगा क्या आपको, जो पहले प्रारब्ध में निश्चित है, जो मेरे भगवान ने पहले आपके प्रारब्ध बनाई है वो आपको मिल जाएगा, आप उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, उसी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी और आपकी अवस्था क्या बन जाएगी, जो मिल जाए लेकर वही शाद में प्रसन्न, जो मालिक ने दे दिया ठीक है मेरे मालिक, मैं बड़ी खुश हूं, मैंने आपके कथन के अनुसार अपनी मेहनत की है, आगे जो मुझे मैं बड़ी प्रसन्न, लाख में भी तसल्ली नहीं जे कख में भी नहीं, तसल्ली है संतोष में। और सुनो मेरी बेटी, कोई रुखी रोटी के ऊपर प्याज रख के प्याज को तोड़ के उसके छिलकों के साथ रोटी खा रहा है, कोई चार सब्जियों के साथ भी गालियां निकाल के मत्थे पर हाथ मार मार के खा रहा, इन चीजों में खुशी नहीं है, पदार्थों में खुशी नहीं है, खुशी है संतोष के अंदर,
विचारों में खुशी मिल गई आपको। ध्यान देना मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जिसके पहले विचार है और विचार भी परिपक्व, पक्के विचार, स्टैंडफास्ट विचार, वो मूवी विचार नहीं, बल्कि जो टिक गया विचार हमारे अंदर, उससे हमें संतोष हो जाता है। मैं संतोष दे दूं आपको? नहीं दे सकता मैं, कोई देवी देवता नहीं दे सकते, माँ बाप नहीं दे सकते, गुरुदेव नहीं दे सकते। संतोष भगवान का तोहफा है। मैं बताता हूं, संतोष मेरे इष्टदेव महाराज जी का प्रेम उपहार है। इट इज जस्ट लाइक ए प्रेजेंट। जैसे आपके बर्थडे पर या आपकी शादी पर आपकी सखी सहेलियां या आपका रिश्तेदार आपको तोहफे देती हैं, आपको प्रेम उपहार देती हैं। हाँ, भगवान भी जब किसी के जप भजन को देख के खुश होती है, संतोष अपनी ओर से प्रदान करते। ये मालिक का तोहफा है मेरे बेटे। ये अपनी गलती निकाल देने का आप संतोष के लिए किसी और से कहे, या गुरुद्वारों में जैसे कहते हे दाता इनको नौ निध सिद्ध दे देना, नहीं ऐसे दिया जाता। भगवान उनके सुकर्मों को देख के, भक्ति को देख के अपनी ओर से देती है। यूं नहीं देते पाठी जी ने कह दिया हे दाता हे वाहेगुरु इनको नौ निध सिद्ध कर देना, ऐसा नहीं होता। मूर्ख आदमी खुश हो जाएंगे पाठी ने कह दिया, ऐसा नहीं होता है। ये खुदा दाद है, ये बना दाद नहीं, ये खुदा दाद है। इट इज नॉट मैन मेड, ये गॉड मेड है, परमात्मा का तोहफा है। जब भगवान कहती है ऐसी मेरी भक्ति, ऐसी भक्ति में लगे होते हैं, ऐसे चिंतन में लगे होते हैं, तो भगवान दो तोहफे देती है। पहले विवेकिनी बुद्धि देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। इस अच्छी बुद्धि देने के बाद संतोष देती है भगवान। ये भगवान का दूसरा तोहफा है। ओ शब्बा, पहला तोहफा मांझी हुई बुद्धि, अच्छा दूसरा तोहफा संतोष। अब आप पुरुषार्थ करेंगे जितना मिल गया आपको, भगवान ने तोहफा दिया आपको संतोष का। पर कल युग में ये संतोष का गुण, अगर ठीक बकवास कर रहा हूं तो लाखों के बाद किसी एक के पास, करोड़ों तो नहीं मैं कह सकता, पर लाखों के बाद किसी एक के पास, किसी एक नारी के पास संतोष। वरना इसी ही लोभ ने बर्बाद कर, ये लोभ भी है, पापी है, जल लाभ। कितना कुछ होते हुए फिर भी तसल्ली नहीं है। दस दस सूट है आपके फिर भी दिल करता है, कितनी साड़ियां है फिर भी नहीं देख के दिल करता है, कितने आपके पास जेवर है फिर भी दिल कर पड़ता है, पांच छह चप्पले और नीचे ऊपर ये, और अब एक मेरी नुमा निकली है, दिल करता है मेरे पास भी हो जाए। हाय मेरा रब्बा, वे कोई एंटी कोड़ी फैक्ट्री वाले थोड़े बेवकूफ बनाई जा रही है। कभी मेरी नुमा निकाल लेते हैं, कभी बतख की तरह चप्पल बना देती है, कभी किसी और शक्ल तरह बना दी। तोबा मेरा रब्बा, ओए आजकल पहनने का सवाल नहीं, सजने धजने का सवाल। फिर उसका तो कोई एंटी नहीं। ये मिलो वाले कपड़ों वाले तरह तरह के डिजाइन बना देंगे। ये नहीं कि मैंने अपने शरीर ढांप लेना, वो नहीं, ये बड़ा सुंदर, ये फूल बहुत अच्छा है, मेरे पर नीला फूल लिखो, ये जो लाल और लाल के अंदर ये जो गुलाब दे रखो, ओए होए होए ये बहुत अच्छा है। मरो फिर इसका तो कोई अंडी कोई नहीं, एक सुनारो ने बेवकूफ बना रखा है। कभी घाड़ यूं कर देंगे, कभी घाड़ यूं कर देंगे, शाबाश। इन सारे बेवकूफों ने, एक एक्टर एक्टर एक्ट्रेस ने, सिनेमा वालों ने हमें बेवकूफ बना रखा है। नहीं ये तो बात भी नहीं, समाज में आप देख रही है कोई अकल की बात? वो मेरी कमीज, वो मेरी लीरे बच गई है, वो मैं सलवार के साथ लगा रही हूँ, वो मैं इतने बच गई सलवार की कमीज, वो मैं कमीज के साथ लगा रही हूँ। व्हाट अ फन। मेरे भगवान भी देखती होगी, तरस आता होगा, मैं अकल दे दू इनको, अकल दे दू, ये क्या कर रहे हो? वही लीर इधर घुसोड़ दी, वही लीर इधर घुसेड़ दी, सलवार के लिए इधर, इधर के लिए उधर। आप खुद ही देखिएगा ये क्या बना हुआ है, क्या मजाक बन के रह गया। इससे संतुष्टि होगी नहीं। और जिनको रब अपनी ओर संतोष दे देंगे, मोटा कपड़ा पाए फिरती है, प्रेस है नहीं है, चलो खत्म ना सही, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अपने कपड़े सुखाए, सुखा करके उनको अपने लपेटा, लपेट के सराहने के नीचे इधर सलवार इधर कमीज, दोनों रख के ऊपर सराहने रख दिया, अपने रात को सोए सवेरे प्रेस होए पड़े। हमारे वक्त तो बेटो यही प्रेस है, जिसने करना है, माँ अपने धो के रख ले नीचे, बहन अपने रख ले, मैं अपने नीचे रख लू, पिताजी अपने रख ले, सवेरे भगवान की कसम अपने आप ही रात को प्रेस हो जाते थे। जो सिर ने प्रेस कर दिया बस, मैं सच्चाई से आपको कह रहा हूं, हमारे घरों में प्रेस कौन ही होता था, अपने ही सेरी प्रेस, सेरी जो है बन जाती है स्त्री, वही प्रेस कर देगी, कभी सेरी इधर होना कभी इधर होना, ठीक होगा, वो सारी करीब क्रूज ठीक हो जाएगी पहले सवेरे, शाबाश। ये तो बाद में हमने देखा, अभी प्रेस चल पड़ी है, लॉन्ड्री, हम कहते लॉन्ड्री क्या है, लॉन्ड्री ये क्या होती है, इसमें कपड़े दिए जाती है, फिर ये धो के प्रेस करके हमें वापस दे देती है, लॉन्ड्री, वाह नवा नाम। ये तो बाद में खुलते गए, होता गया, हम जरीर होते गए। और जब आवे संतोष धन सब धन धूप, पर ये नहीं, ये तो किसी को मिलता है जो भगवान की जात में लग गया है, जो मेरे प्रभु के लिए अपने आप को लगा चुका है,
ये संतोष मेरे सजनों मेरी देवी हो, मेरे भगवान अपनी ओर से प्रेम उपहार देते हैं। अब देखिए क्या भगवान ने शब्द लगाया, ये लोभी है पापी, ये लोभ जो है ये पाप करवाती है, जल्लाद है। अर्जुन यही पूछ रहा है, ना चाहने पर भी कौन पाप करवाता है, कामना और क्रोध, ये कामना क्रोध को पैदा कौन करता है, रजोगुण। रजोगुण, और रजोगुण कहां से आता है, मैं बकवास करूं तो आपका मन टूटेगा, रजोगुण कहां से आता है, तीन से रजोगुण आता है, गुण को भी सतोगुण और रजोगुण तमोगुण हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महापुरुष कहेंगे, हमारे व्यास जी कहेंगे, तीन की तरफ से गुण आते हैं, तीन की तरफ से, मां बाप की ओर से, दादा दादी की ओर से, नाना नानी की ओर से। आह अब ये कोई करे क्या, जिस घराने में आप पैदा हुए हैं और जो माँ का खून है, बाप का खून है, माँ के खून की तरफ से नाना नानी हो गए, बाप के खून की तरफ से दादा दादी हो गए, इनका प्रभाव आप पे पड़ता है, तो फिर आप भी तो अपने संस्कारों में आएगा, आपकी वासना जो अधूरी कामना जो मर के मरे आप, वो इन्हीं घराने में पैदा होनी है, और इस घराने का प्रभाव सिर्फ माँ बाप का पड़ जाता तो अच्छा होता, माँ बाप का नहीं, दादा दादी का भी, क्योंकि हमारे माँ बाप में जो सेल्स है जीवाणु है दादा दादी के है, और उधर माँ को देखो, माँ में जो जीवाणु है वो हमारी नाना नानी के है। कितनी दूर की बात कह दी व्यास जी ने, ये नहीं कि रजोगुण कोई देता है किसी को, ना ये हम जन्म से लेके आए, वाह, और वो स्वभाव बने, वो रजोगुण, रजोगुण बन गया सतोगुण, जिसके माँ बाप सतोगुणी हो वो, वरना ऐसे घराने का लाल, वो योगी आकलो बा कमाल, जन्म ऐसा मुश्किल मिले ऐ हबीब, ये सादत हो शादो नाना, ये भगवान कहते बड़ा मुश्किल जन्म, माँ बाप भगवान के प्यारे को, योगी हो, अभ्यास करने वाले को, प्रलोक बनाने वाले को, हाँ, जहाँ धन की कोई कमी ना हो, सब चीजें योग भी खुला हो, धन भी खुला हो, ये योग भ्रष्ट अभी जाते, ऐसे घरानों में योग भ्रष्ट आते। छठा अध्याय फिर पढ़ना, ऐसे घराना मिलता बड़ी मुश्किल से, जिनके माँ बाप बिल्कुल समझ वाले हो, रजोगुणी ना हो, तमोगुणी ना हो, आपको बधाई, आपके माँ बाप अच्छे थे, आपके दादा दादी बड़े अच्छे थे, यानी आप माँ की ओर से भी पवित्र खून थे, बाप की ओर से पवित्र खून, सीधा शब्द हो गया, माँ बाप दोनों की तरफ से आप पवित्र थे, तब ये बीच में से नमूने निकल आए आप जैसे नेक भगवान के प्यारे, प्रभु की ओर जाके अपना कल्याण करने वाले, ये आप ये खुद लेके आए हैं, अब फिर वो जो आगे भगवान ने करना है, फिर आपको भगवान ने सत्संग दे दिया, आपके अपने संस्कारों अनुसार, आपके अपने अनुसार, ये धरती साक्षी है, देख लो, नीम को कड़वाहट वाला भोजन दे रही है और आम को रसदार भोजन, धरती तो एक है, माँ तो एक है, देखो धरती एक, मिर्चों को अपने जैसा भोजन दे रही है, एक ही धरती में है, और पास ही आलू है, उनको अपना जैसा भोजन दे रही है, शकरकंदी को अपना भोजन दे रही है, पास ही ईख लग रहा है गन्ना, उनको अपना भोजन दे रही है, ये धरती एक है, वाह, देख लीजिएगा आपके औभाग्य, अच्छा घराना मिल गया, अच्छा गुण मिल गया आपको, उन गुणों के कारण से फिर भगवान ने आपके और ये सत्संग दे दिया कि और बढ़ो और आगे निकलो, ये भगवान का काम है कि आपके अपने गुणों के अनुसार आपको खुराक देना, अपनी कामनाओं के अनुसार, क्योंकि भगवान ने यह पक्का वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए, मुरादे पूरी तो भगवान ने करी, मुरादे पूरी होती है वातावरण से, समझना, मुरादे पूरी होती है इस प्रकार का वातावरण बने, ऐसा 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 ऐसा, तो वो वातावरण भगवान बनाते हैं, तभी तो आपकी मुराद पूरी होगी, वैसे एनवायरमेंट और सराउंडिंग बने, हाँ वो कौन बनाता है, रजोगुण के लिए रजोगुणी का वातावरण, तमोगुणी के लिए तमोगुण का वातावरण, आप जैसों के लिए एकांत चुपचाप शांत वातावरण, क्या गजब की बात है, ये बनाने वाला तो सिनेमा हॉल भी भगवान ने बनाए हैं, मरो और बेड़ा गर्क करो, शराब खाने भगवान ने बनाए हैं, और ये सत्संग खाने भी भगवान ने बनाए, सत्वगुणियों के लिए, रजोगुणियों के लिए, तमोगुणियों के लिए, तभी तो उनके गंदे गंदे संस्कार ऐसे वातावरण में पूरे होंगे, और भगवान फिर उनसे कानों को हाथ लगा, जब दुख पड़ेंगे, बीमारियां लगेंगी और जलील होंगे, तब कानों को हाथ लगवाएंगे, हाय मैंने खुद बुरे कर्म किए, फिर जलील होंगे, यही अर्जुन कह रहे हैं, ना चाहने पर कौन पाप करवाता है, सुना ये तो भगवान बोले के बस, गजबनाक दुश्मन तेरी गए गवस, हाँ समझ ये रजोगुण की औलाद है, ये लोभी है पापी जल्लाद, ये लोभी है पापी है, समझ ये रजोगुण की औलाद, ये रजोगुण से पैदा हुई है, और इसका परिणाम लोभी है पापी है जल्लाद,
ना चाहने पर पाप होंगे, ना चाहने से जुल्म होंगे, ना चाहने पर हमारा लोभ बढ़ता जाएगा। लोभ का मतलब ये चीजें तो मिल गई हैं, अभी और मिले, मरने के दिन आ जाते हैं, एक वाल भी काला नहीं रहता, सारी सफेद जाती है, फिर भी वासने कम, आहा फिर भी नहीं। भर्तृहरि हरी के वराक्ष तक पढ़ना, रो रहा है भर्तृहरि, कह रहा है कि कमाल है दाता तेरी दुनिया, मेरे दांत गिर गए, मेरी बेनाई कम हो गई, मेरे हाथ कांपने लग गए, मेरे पैर लड़खड़ा रही है, लाठी के सहारे जा रहा हूं, पर मैं इतनी बुरा हाल मेरा है, फिर भी मैं क्या, फिर भी मेरा मन जवान है, फिर भी मेरा मन जवान हुआ पड़ा, फिर भी मांगता है, फिर भी चाहता है कुछ ना कुछ, बड़े दर्द बड़ा रक्षा खींचा, बड़ा दर्द बड़ा, देखो मेरे मालिक मेरे हाथ में क्या है, आपको गला नहीं आएगी। चांदनी रात थी, जंगल वो घर बार छोड़ के चले गए थे, और चांदनी रात में जंगल में घूम रहे थे, हाँ, और पगडंडी थी एक, जहां से आग जलता दिन में गुजरती थी, और आगे नजर आया कोई हीरा गिरा पड़ा, मन में मैंने क्या करना हीरे को, घर बार छोड़ सब कुछ राजपाट छोड़ के मैंने क्या करना, अच्छा मैं नहीं करूंगा। मन में दूसरा ख्याल आया, यहां से गरीब आदमी गुजरती है, ले लेता हूँ और दरख्त के कोने में रख देता हूँ, सवेरे को ये गरीब गुजरे जिनके फटे हुए कपड़े होंगे मैं उनको दे दूंगा, ये लो ले लो मेरे से, ये क्या गिरा पड़ा था आप ले जाओ। तो ये तो कोई पाप नहीं ना, हमें तो आपने मैंने प्रयोग तो करना नहीं, मैं तो शमशान में बैठ के रोटियां पकाता हूँ, शमशान की आग पे रोटी पकाते थे भर्तृहरि, शमशान की आग पे आटा कहां से लेते थे बाबा, जो वो आटा चढ़ा जाती है मुर्दे को, और गूंथते कहां थे, जो वो घड़े फन घड़ा तोड़ जाते हो उसके बिक्कर में, हाय मेरे रब्बा, और पारी जो आप मटका रख जाते थे उसके सरांदी, वही वही का पानी, वही के तोड़े हुए मटके के अंदर वो थाल बना लेना, उसी में आटा गूंथना, उसी की आग के ऊपर रोटियां पकानी, ये हाल इतने वैराग, और फिर उठा ले गरीब को दे देना। अब क्या हुआ, जब उठाया तो किसी के फेंका हुआ खंगार था, गंध जो चांदनी रात में चमक रहा था और मोती नजर आ रहा था, तब उन्होंने कहा देख कमीने गंदे धोखा देने वाले मन, सारा हाथ लिबड़ गया भर गया, ये मोती है, देख लो मेरे शरीर का ये हाल हो गया, मेरा ये बन गया, मेरा ये, और फिर कितना बुरा हाल। उस जगह एक दृष्टांत देती है, बड़ा दर्द भरा दृष्टांत है मेरी देवियों, मैं समझाने के लिए मजबूर हूं, मैं करूं तो क्या करूं। वो कहते देखो हमारे जैसों का हाल क्या, शरीर तो बूढ़ा हो गया, जैसे क्या होता है कुत्ते को लागा लग गया, कुत्ते को बीमारी निकल आई, कुत्ता बीमारी कारण से हड्डियां नजर आ रहा है और चेहरा गंदा है, और शायद रात निकाले या कल दोपहर को मर जाए, फिर भी कुतिया के पीछे धक्के खा रहा, वो अगे अगे और वो पीछे पीछे आवाजें मर रहे, रुक जाना जरा रुक जाना, इसी तरह शरीर मरने के वक्त आ गया है, अंदर लोभ धक्के देता, अंदर लोभ हम लोग को तंग करता, हाय 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 हाय, ये तो मेरे परमात्मा की मेहर हो रही है आप पर, वरना कलयुग है, गली मोहल्ले में कलयुग है, खाने पीने में कलयुग है, मित्र यार कलयुगी है, आपके रिश्तेदार आते हैं तो कौन से ध्रुव और प्रहलाद आते हैं, फिर भी मेरे परमात्मा पता नहीं किस बात पे आप पे बड़े खुश है, जो इतनी चोटी की वाणी सुना रही है, सुना ये तो भगवान बोले के बस है, गजबनाक दुश्मन तेरी है हवस, ये तेरी बड़ी हुई कामना है, यही तेरे साथ वैर कमा रही थी, ये क्यों कहां से आई, रजोगुण की औलाद है, ये लोभी है पापी है जल्ला। प्रश्न कितना कमाल का है, और जवाब देखिए अपने प्रभु का, अपने नारायण जी का, अपने परम हितैषी का जवाब तो लो, क्या कमाल का जवाब है, क्या गजब का उनका उत्तर है, रोंगटे खड़े होते हैं हमारे, फिर क्या दिल करता है, वैराग और भड़क उठता है, विवेक और जाग जाता है, हमारा मन और भी भगवान की और सत्संग का, यही तो मतलब है कि हमारे पर भक्ति का और रंग चढ़े, विवेक का और रंग चढ़े, वैराग का और रंग चढ़े, दूसरे शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी हो जाए, भले हम संसार में रहे पर संसार के बन के नहीं, संसार बनाने वाले परमात्मा के बन के रहे, होगी मौज, आगे मजा सत्संग इसी को बोला करता हूं, ठोस लाभ सत्संग का, हमारा विवेक बढ़ जाए, वैराग बढ़ जाए, प्रभु की ओर मन का झुकाव बढ़ जाए, याद रखना सत्संग का ठोस लाभ, विवेक बढ़ जाए, वैराग बढ़ जाए, प्रभु की ओर मन का झुकाव बढ़ जाए, तो समझिए हमें सत्संग का ठोस लाभ हुआ, समझ ली मैया नी मेरी भोली भाली नेक बेटी, तब यहां बैठने का आने का गीता जी के श्रवण करने का लाभ है, पर ठोस लाभ मुझे नहीं नजर आता, अगर विवेक नहीं बढ़ा, वैराग नहीं बढ़ा और मन की ओर तेरा आपका झुकाव नहीं बढ़ा, क्या फायदा मेरे सुनाने का, क्या फायदा यहां के आने, कितने काम छोड़ के आप आते हो, कितने धंधे छोड़ के आते हो आप, मेरे मालिक कितना आपको मौका दे रहे हैं, लोगों को आपका चाम नहीं प्यारा, चाहे पति है, चाहे आपकी सास है, चाहे ससुर है, या कोई भी क्यों ना, चाहे आपकी सगी मां है, लोगों को तो अपने स्वार्थ प्यारे हैं,
चाहे उनके स्वार्थ स्वार्थी हो, ये कर वो कर, ये बना वो बना वो बना ये, और आप अपने कितने धंधे छोड़ के आते हो, ठोस लाभ लेके गए करो। वरना मैंने कई बार कहा छोड़ दो इस स्थान को, कोई जरूरत नहीं, अगर ठोस लाभ नहीं होता तो फिर जरूरत ही क्या, यही समय कहीं और प्रयोग कर ले। हमने यहां से ठोस विवेक बढ़ता हुआ देखे, वैराग बढ़ता हुआ देखे, मन का भगवान की ओर झुकाव बढ़ता हुआ देखे कि मेरा मन और झुक गया भगवान की ओर। अच्छा ये तीनों झुक जाएंगे तो क्या होगा, एक दिव्य रस आएगा, एक एकाग्रता छा जाएगी, ओए 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 ओए, एक दिव्य रस और एकाग्रता छा जाएगी, तब समझिए सचमुच मुझे गीता सुनने का, वहां जाने का ठोस लाभ हो रहा है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होने लग जाएंगे। जब आप जाप पर बैठोगी मन उसी में रस लेके अश्रु गिरने लग जाएंगे कि थोड़ी आयु रहेगी संभाल लू मैं, थोड़ा सा मेरा दिन रह गया मैं संभाल लू अपने आप, अब अपनी बिगड़ी बना लू, ये लगन लग जाएगी। हाँ, ये और भी भाव उठेगा आपके अंदर, शाबाश। फला हो अर्जुन का, जगा रहे हैं हमें अर्जुन अपने प्रश्न द्वारा। गुना कोई करता नहीं चाह से मेरे प्रभु, वो सब कुछ करे जबर अकरा से। देखता हूं मेरे प्रभु क्या मजबूर होकर गुनाह करता है, मजबूर होकर जुड़ता है। उसे शब्द है बलात्, बलात् मैंने मजबूर, बलात् मैंने न चाहने पर, कोई जबरन करता है गुनाह है, जबरन नहीं चाहता, जबरदस्ती करना पड़ता है, वो कामना करवाती है। भगवान कहते हैं ये रजोगुण की जो औलाद है, ये कामना ये जीव को पटकती है बुरी तरह, जैसे मैले कपड़े को धोबी पत्थर के ऊपर छुआ छू करता। धोबी घाट पे देखा करो कैसे पत्थरों की आवाजें, पत्थर पर कपड़ों की आवाजें आ रही है। कपड़ा बोदा हो जाए भले ही, पर साफ तो हो जाए ना। आप कहते हैं बड़ा शानदार धोया, ये नहीं पता कपड़े दे पल्ले कुछ नहीं रहा, फिर कपड़ा बोदा हो गया। जिस कपड़े ने 6 महीने चलना था वो कपड़ा मुश्किल से 2.5 महीने चलेगा, पर साफ सुथरा तो है ना। ऐसा नजर तो कैसी छुआ छू मारी उसके पत्थर के ऊपर। इसी तरह ये पाप हम लोग कैसी छुआ छू मार रहे हैं, रजोगुण के औलाद कामना है वासना है, ये कितना बुरा हाल कर रही है, कितना बुरा हाल हो रहा है, ओए 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 ओए, कितना इंसान को जलील और खराब कर रही है, कितनी ज्यादा वाह, किस तरह पटक पटक के इंसान को मार रही है। गली का हाल देखो, मोहल्ले का हाल देखो, जाती हुई गाड़ी देखो, एक जगह नहीं है पैर रखने की, वो दरवाजे तक सारे बैठे मुझे नजर आ रही है। ये कारण कामने ले गई है, 7:30 गए थे, अब 6:30 आ रहे हैं, बात थक के चूर होके सो जाएंगे, सवेरे फिर उठ बैठेंगे, टिफिन कैरियर पकड़ेंगे, माँ पुत्र चल पड़ेंगे। ये लोभी है, पापी है, जल्लाद। कितने पैक हुए पैसे तो मेरे काल में गेहूं की बोरियों भी पैक नहीं होती जितनी ये पैक हुए पड़े। डब्बे में तिल धरने की जगह नहीं रही, दरवाजे में डंडे पकड़ के खड़े हुए थे। ये लोभी है, पापी है, ये बड़ी हुई कामना है, ये ओवरफ्लो कर रही कामना है। संभल जाओ मेरी देवी, संभलो। ये बस जहान के असलियत को समझ जाने के बाद आप लोग चौकस हो जाएंगे, रहेंगे जहान के अंदर, कहीं भी जाओ जहान में, लेकिन आप चौकस, बिल्कुल ही आप चौकस जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, सतर्क सावधान। जैसे आप धीरे करके सर्दी आने वाली, अभी आप सावधान हो गए, भाई हमारे पास स्वेटर नहीं है, स्वेटर का प्रबंध करो। माँ हाँ आपकी बार मुझे हाफ कोट ले देना जरूर, मैं तेरे पिताजी को अभी कहती हूँ। अब अभी सर्दियों का प्रबंध होने लग गया, पिछले मेरी जुराबों की एड़ियां सारी फटी, तू ठीक कर दू, ठीक करनी, अब ठीक करनी, अब मैं सारी उधेड़ती हूँ, नेसरे से बना दूंगी शानदार। अभी सर्दी की ठंडी हवाओं ने याद करवा दिया कि इसे बोलते हैं हिंदी में सतर्क सजग। सर्दी के लिए अभी सतर्क हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं। अभी से पिछली बार स्वेटर तेरी सुकड़ गई थी, हाँ अभी प्रबंध करेगी, कभी शुरू कर दू तो आगे दिवाली के पास मैंने पहननी है। इसी तरह जब हम असलियत की समय लेती है, हाँ शरीर छोड़ने से पहले सतर्क सजग सावधान। ये कितना प्यारा शब्द है, सतर्क सजग सावधान। हाँ पहली समझ जाना, नालायक आदमी सिर पे पड़ती है तब समझती है, और दना कौन होती है जो दुखों के आने से पहले सतर्क हो जाती है, सावधान हो जाती है, पहले सावधान। फिर जैसे अब ये प्रसंग सुन के सावधान हो जाएंगे कि ओहो, कामना से क्रोध पैदा होता है, दोनों मिलके हमें तबाह करते हैं, दोनों ही अच्छा, दोनों ही खराब और बर्बाद करेंगे, तो पहले ही हम सावधान हो जाएंगे। ये निकली कहां से, रजोगुण से, रजोगुण बड़ा कहां से, संसार को सुखदाई समझने से। आओ जरा, संसार के प्राणी पदार्थों को सुखदाई समझा, अब मरो, अब कामना घटेंगी नहीं, कामना मल्टीप्लाई करेंगी मेरी भगवती, कामना और बढ़ेंगी और आगे निकलेंगी। आप हैरान परेशान,
समझो, पहले जहान को समझो, बार बार समझो। अब मैं और आप पुरुषार्थ करेंगे जो परमात्मा दे देगा। लो आप कहेंगे जहान कैसे चले, गृहस्थी कैसे चलाए, ये थोड़ा भगवान कह रहे पुरुषार्थ न करो। भगवान तो कह रहे कामना न करो, कामना करके आप गृहस्थी में न रहो, पुरुषार्थ करके रहो। ये बात को समझ लो, ये सारे खड़े हो जाओ। मेरे कई भी बच्चे पूछते कैसे संसार हमारा गृहस्थी कैसे चलेगी, तो कब भगवान ने ये तो नहीं कहा आप गृहस्थी न चलाओ, कब कहा भगवान ने? तो यहां तक भगवान ने तो आपको वोट दिया, मुझे वोट तो नहीं दिया है। हाँ, हालांकि भगवान साक्षी है, दिन रात में उनके लिए लगा हुआ हूं। जितनी मेरे से ताकत मन पड़ती, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जितनी मेरी बुद्धि से, मेरे मन से, मेरे तन से मन पड़ा लगा हुआ, लेकिन फिर भगवान वोट आपको देती है। क्या कहा? हाँ, आपको वोट देती है। तरक्की अमल से है बेहतर अमल, कर्म करते रहो, जुटे रहो। भगवान ने ये तो नहीं कहा छोड़ छुड़ा के एक तरफ बैठ जाओ, लगे रहो। भगवान ने आपको कहा है तरक्की अमल से है बेहतर अमल, बल्कि ये भी कहते हैं बचेगा गुनाहों से। कितना क्लियर कर रहे हैं, दो हाथ मारने का मतलब पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थवादी बनो, पुरुषार्थ करते हुए घर में रहो, पुरुषार्थ करते हुए, ये नहीं कहा कामना करते हुए, जरा समझ लो मेरे से, पुरुषार्थ करते हुए घर में रहो। समझो मेरे जैसे से और मेरी जरूरत किस लिए है, सिर्फ समझने की जरूरत है। पुरुषार्थ करते हुए घर में रहो, पुरुषार्थ करते, हमने बेवकूफी क्या की, कामना करते हुए घर में रहे, ओए मारे गए, ओए मारे गए, यही तो मार खा ली। कामना करते हुए नहीं रहना था, पुरुषार्थ करते हुए। अब प्रश्न करो कि गृहस्थी कितनी शांत चलेगी, सीना शांत, कलेजा शांत, मन शांत, छाती शांत, ये सारे शांत रहेंगे, बिल्कुल कोई उबाला नहीं खाएगा, ठीक भूख लगेगी, ठीक नींद आएगी, साउंड एवरीथिंग विल बी साउंड, नॉट अनसाउंड, अनहेल्दी भी कोई चीज नहीं होगी। मैंने पुरुषार्थ, सुनो मैं बार बार बोल रहा हूं देवियों, पुरुषार्थ करते हुए परिवार में रहना है, ना कि वासना और कामना करते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे कृष्णो, मेरे जगत गुरु, बहुत अच्छे। और नेक जीवो भी ये आवाज ले लो अपने कानों से मन में, पुरुषार्थ करते हुए जी परिवार में रहना है, समाज में रहना है, दुनिया में रहना, यही तो मैं भगवान से शिकवे देता हूं। भगवान मां के पेट में हमें सिखा देता कि मेरे जहान में जा रहे, तुम्हें जल्दी लौटना भी है, अच्छा, और पुरुषार्थ करते हुए रहना, सहारा मेरा लेके रहना। हम कामना बढ़ाई जा रही है, हम कामना करके संसार में रह रही है, देख लो, पढ़ाई की कामना करके, कमाई की कामना करके, शादी की कामना करके, मां बने कामना करके, सब कुछ कामना करके कर रही है, जबकि सोना रब कह रहा है, गीता कह रही है, उनकी जबान कह रही है, पुरुषार्थ करके रहो ना, पुरुषार्थ करके रहो, पुरुषार्थ करके रहो। कहां भगवान का फरमान, कहां हम नीच बनते जा रहे हैं, नीच, भगवान ने इससे बढ़ के क्या गाली देंगे, कितनी बुरी दूसरे अध्याय में गाली दी, मैं कहता हूं इससे बढ़ के कोई गाली नहीं जो भगवान ने दी। क्या 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 गाली मैं बताऊं आपको, जो कामना करके रहता है, इच्छा करके रहता है, उनको मेरे भगवान के क्या 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 कहा, हाय हाय, कृपणा फल हेतवा, क्या क्या इसका अनुवाद किया उन्होंने, कृपणा फल हेतवा, फल के चाहने वाले जलीलो हकीर, रहे फल के तालिब जलीलो हकीर, वो गए बीते हैं और जलील हो रहे गए, कौन, जो कामना करके रहती है, जो इच्छा करके रहती है, जलील हो रही है और नीच है वो, रहे फल के तालिब जलील हो हकीर, कृपना फल है तो, जो कामना करके रहते हैं जलील होते हैं, बर्बाद होते हैं, खराब होते हैं। ना देवी अपना सुधार कर लो, आप अपना सुधार करें, धोबी घाट पर मैले कपड़े जाते हैं धुलने के लिए, और सत्संग में मैले मन आती है धुलने के लिए, ताकि मनो के मैल उतर जाए, ये यही से पकड़ लो ना, मैंने पुरुषार्थ करके रहना है, काम ना करके नहीं। लो, किसी की मजाल नहीं, मैं व्यास गद्दी में बैठा हूं, इधर व्यास है, मैं इधर बच्चा बोल रहा हूं। अगर आप पुरुषार्थ करके समाज में रहे, ले ले पूरी ताकत धर्मराज, आपका जन्म नहीं हो सकता। आप सोचते रहे, मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा है, अगर आप पुरुषार्थ रब ना भी दीदार दे तो भी जन्म नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि रब का नियम यही है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो, पुरुषार्थ करके रहिएगा आप, कामना करके, ये बात पकड़ लो, सारे पकड़ लो, फिर पता नहीं ये प्रसंग कब बनना है। पुरुषार्थ करके जिंदा रहिए, कामना करके नहीं, अगर कामना करके रहेंगे तो भगवान ये अर्जुन कह रही है तो नाना प्रकार के पाप होते हैं, स्वार्थ में नाना प्रकार की जो है पापड़ वेले जाती है, झूठ मकर फरेब ये सारा कुछ हो जाता है, ना चाहने पर भी वो सब कुछ करे जबरो अकराह से। सुना ये तो भगवान बोले के बस, गजबनाक दुश्मन तेरी हवस,
हाँ गजबनाक, ये तेरी बड़े साथ वैर कमा रही है कामना वासना, ये तुझे तबाह कर रही है। समझ ये रजोगुण की औलाद है, ये लोभी है पापी रजल्लाद है। समझ ये रजोगुण की औलाद है, ये रजोगुण से पैदा हुई है, ये लोभी है पापी है जल्लाद, ये गंदा है, ये खराब है, ये तबाह कर रही है। रियलाइज कर लो, एहसास का मादा पैदा कर लो, मेरी मैया मेरी नेक बेटी, पुरुषार्थ करके मैं भी रहूं आप भी रहे, मैं भी भवन के अंदर पुरुषार्थ करता हुआ रहूं, बुद्धि से पर करूं, मन से करूं, तन से करूं। आप भी अपने बुद्धि मन तन से पुरुषार्थ करके गृहस्थाश्रम में रहिएगा, कामना करके नहीं, इच्छा करके नहीं, क्योंकि यही फिर स्वार्थी बनाती है और फिर जलील करती है और नाना प्रकार के जन्मों में यही धक्के देती है। ये इसी से फिर आप अभी आप अगर पक्का राधा करा देख लो, दिन बदन आपके संकल्प विकल्प कम, दिन बदन राग द्वेष कम, भटकर मन की बंद, गहरी नींद आएगी, गहरी भूख लगेगी, सब चीज राइट हो जाएगी अगर पुरुषार्थ करके रहे। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकराई, रब तेरी मर्जी, जब दीदार देना, मैं अपना पुरुषार्थ किए जाऊं। ओए होए होए होए, इतना रब मेरा खुश होता है, मेरी वाणी पे विश्वास कर लो प्रभु, मैं अपना पुरुषार्थ किए जा रही हूं, आगे आप जाना, जब मैं अधिकार नहीं देखे जाऊं, मुझे कर लेना, तार देना, पर मैं तो पुरुषार्थ करती जाऊंगी, शाबाश, मैं अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ रही, आगे आप जानो मेरे प्रभु, मेरे दयालु प्राणनाथ आप जानो, मैं पुरुषार्थ करती जाऊंगी, मैं पुरुषार्थ करती जाऊंगी। श्रीमान टोक रही है, देखो श्रीमान जी मुझे भगवान की कसम, क्या आप क्रोध कर लो, मैंने पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो पत्थर भी होगा श्रीमान पिघल जाए, अच्छा मुझे माफ कर दे, मैं समझ गई, फौरन हाथ जोड़ेगा। अगर आप दिल से कह रही है मैं पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, मेरी गलती थी, तू मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसे शब्द कह दिए, ये अगर उन पर प्रभाव पड़ता है, भगवान पर प्रभाव पड़ता है कि ये पढ़ने में कसर नहीं छोड़ रहा है, जाप करने में कसर नहीं छोड़ रहा है, सुनने में कसर नहीं छोड़ रहा है, अपने अंदर जो कमजोरियां उनको निकालने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, आगे तो भगवान ने वचन दे रखा है, तेरे पाप सब दूर ना गम की हो मसरूर कर, जो तेरी कसर बाकी रह जाएगी मैं जो हूं, ओए होए होए होए, ओ मैं जो हूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरोगिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवशात् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।